हरे कृष्णा रिचर्स टूरिज्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम दो लोगों की कंपैटिबिलिटी के बारे में उनके मून साइन से जान सकते हैं। देखिए वैदिक ज्योतिष में मैरिज के लिए 36 गुणों का मिलान किया जाता है और अगर 36 में से 18 गुण भी सिमिलर पाए जाते हैं तो इसे शादी के लिए सही मान लिया जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ कि किस तरह से हम चंद्रमा की जो पोजीशन है उसका राशि, तत्वों, नक्षत्रों और उनकी दूसरे पार्टनर से उससे उसकी कितनी दूरी है उसके आधार पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो भले ही 18 से कम गुण मिलते हों दो नेटिव्स के, तब भी उनकी जो शादी है वो पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वैदिक ज्योतिष में जो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि हमारे जो जीवन की दशाएँ हैं वो जो हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में विद्यमान है, जिस नक्षत्र में स्थित है, उसके स्वामी ग्रह से ही हमारे जीवन की जो दशाएं हैं वो शुरू होती हैं। तो चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है और उसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस तरह से जो चंद्रमा है वो एक राशि को कवर करने में तकरीबन 2.25 दिन का समय लेता है। तो हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की पोजीशन है तो उसके एनालिसिस से हम काफ़ी हद तक ये जान सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं और किन लोगों के साथ हमारी जो कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी हो सकती है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम जो चंद्रमा है उसका उसकी स्थिति का बर्थ चार्ट में राशि और उसके जो तत्व हैं वो उसका जो राशि का जो एलिमेंट है वो क्या है और इसके साथ ही जो दो नेटिव्स हैं उनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिन राशियों में स्थित हैं तो उन राशियों में आपस में जो कितनी दूरी है उसके आधार पर हम उनकी कंपैटिबिलिटी का एक बहुत ही गहराई से जो विश्लेषण कर सकते हैं जो कि उन दोनों की जो जीवन भर की जो कंपैटिबिलिटी है उसको जानने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आइए सबसे पहले जो हमारे बर्थ चार्ट की 12 राशियां हैं उनके एलिमेंट्स यानी कि उनके तत्वों के बारे में जानते हैं। तो इन 12 राशियों को 4 तत्वों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले है हमारे पास अग्नि तत्व की राशियां यानी कि फायर साइंस जो हैं 1, 5, 9 यानी कि एरिस, लियो और सेजिटेरियस। तो उसके बाद हैं हमारे पास अर्थ साइंस जैसे कि 2, 6, 10 यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो इसके बाद आती हैं हमारे पास वायु तत्व की राशियां यानी कि एयर साइंस, तो वो हैं 3, 7, 11 यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और अक्वेरियस। तो आखिर में हमारे पास आती हैं वाटर साइंस जो हैं 4, 8 और 12 यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो देखिए इसी एनालिसिस को हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे जो दो नेटिव्स हैं तो एक का जो चंद्रमा है वो कैंसर राशि में उसके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है और जो दूसरा नेटिव है उसका जो चंद्रमा है वो 10 नंबर की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले तो इनमें जो एलिमेंट्स का डिफरेंस है क्योंकि जो कैंसर राशि है वो एक वाटर साइन की राशि है और इसके साथ ही जो कैप्रिकॉर्न राशि है वो एक अर्थ साइन की राशि है। तो यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि जो कैंसर साइन में जिस भी नेटिव की राशि है तो उस व्यक्ति का जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है, जो जीवन के प्रति जो अप्रोच है वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाली है, जबकि जो दूसरा नेटिव है जिसका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न राशि में स्थित है तो उसका जो लाइफ के प्रति जिस भी तरह की अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच उस व्यक्ति की हो सकती है। तो अगर इन दोनों लोगों की कंपैटिबिलिटी के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि 4 और 10 नंबर की राशियों में जो दूरी है वो काफ़ी दूरी है और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि उनके जो एलिमेंट्स हैं राशियों के उसमें भी डिफरेंस है। तो इसके बेस पे जो उनके बीच में जो बेसिक इश्यूज के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो ज़्यादातर
सिचुएशंस में रह सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की दोनों राशियों के बारे में। देखिए हमारे पास जैसे एक नेटिव के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो एरियस राशि में स्थित है, और दूसरे नेटिव के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो राशि में स्थित है। तो यहाँ पर भी हालांकि जो एरियस राशि है उसका एलिमेंट जो फायर एलिमेंट है, और जो स्कॉर्पियो राशि है उसका जो एलिमेंट है उस राशि का वो वाटर है, तो यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से स्टीमी टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है दोनों नेटिव्स के बीच में। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुध की दोनों राशियों की। जैसे कि मान लीजिए एक नेटिव है उसका जो चंद्रमा है वो 3 नंबर राशि यानी कि जेमिनाई में प्लेस्ड है, और जो दूसरा नेटिव है जो उसका चंद्रमा है वो 6 नंबर की राशि यानी कि वर्गो राशि में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ज़रूर रहेगा, और लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो दोनों ही राशियाँ हैं जो वो बुध की राशियाँ हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप रह सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की दोनों राशियों की। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक नेटिव है उसका जो चंद्रमा है वो टॉरस राशि में है 2 नंबर की राशि में, और जो दूसरा नेटिव है उसके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो लिब्रा राशि में है। तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट का डिफरेंस तो है, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही राशियाँ जो हैं वो शुक्र की राशियाँ हैं, तो इन दोनों के जो रिलेशनशिप में जो फन एलिमेंट है वो ज़रूर रहने वाला है, और इसके साथ ही इनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से सेंसुअस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह की दोनों राशियों के बारे में। मान लीजिए जो एक नेटिव है उसका जो चंद्रमा 9 नंबर यानी कि सेजिटेरियस राशि में प्लेस्ड है, और जो दूसरा नेटिव है उसका जो चंद्रमा है वो 12 नंबर राशि यानी कि पाइसिस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर जिस नेटिव का चंद्रमा सेजिटेरियस में प्लेस्ड है 9 नंबर की राशि में, तो उसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, और इसके साथ ही जिस नेटिव का जो चंद्रमा है वो पाइसिस में स्थित है तो उसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी जो बेसिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत सामान्यता हम देख सकते हैं वो ये है कि दोनों ही नेटिव की जो लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेस्ड हो सकती है, यानी कि उनमें जो स्पिरिचुअलिटी उनके मन और जीवन में जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव उनके मन और जीवन पर रह सकता है। तो इस तरह से हम दो पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में उनके मून साइंस उनके चंद्रमा किन राशियों में विद्यमान है किस तत्व में है और उनका आपस में कितनी दूरी है, यानी मान लीजिए कि एक का चंद्रमा 3 नंबर की राशि में है दूसरे का 10 नंबर की राशि में है, तो दोनों साइंस में जो कितना डिफरेंस है तो उतना ही उनके मन में एक दूसरे के मन के प्रति जो दूरी है उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। हालांकि इस रूल को ज़रूरी नहीं है हम किन्हीं दो लाइफ पार्टनर्स पर अप्लाई करें, हम दो फ्रेंड्स या किन्हीं दो लोगों के ऊपर भी इस रूल को अप्लाई करके उनके आपस में जो कंपैटिबिलिटी है उसके बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन हरे कृष्णा।